हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श अकेडमी। माई सेल्फ अल्पना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में UBPCS आपका टारगेटेड वीडियोस जो 7 डेज का 7 सीरीज था उसका ये पार्ट नंबर 5 है। ऑलरेडी 4 सीरीज 4 वीडियोस 4 डेज के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल UBPCS को टारगेटेड वीडियोस है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियोज़ के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अंतिम समय का आप बोल सकते हैं कि आप अंतिम समय में इसे अगर देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, कानपुर में। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन कीजिएगा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि आपको नए नए जितने भी वीडियोस लाए जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके फ्रेंड्स। ठीक है, और वीडियो को देखने के बाद जब आप एट द एंड तक आप वीडियोज़ के जाएंगे उसके बाद आप वीडियोज़ को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में इसका लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रतापगढ़। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1, 2, both। ओके, बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जैविक कृषि विश्व कुंभ मेला का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया, बिल्कुल सही। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में किया गया, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही के बजट में भारत सरकार द्वारा 9 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई, उनमें से उत्तर प्रदेश के जिन शहरों को चुना गया वो कौन से शहर हैं? देखिए, ये यूपी से रिलेटेड कुछ ज़्यादा है, मतलब आपको बोले तो इस यूपी स्पेशल से रिलेटेड, यूपी के लिए जो नए नए इनोवेशन किए गए यूपी स्टेट में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में ज़्यादा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में आपकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ए, केवल ए कथन जो है, ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, सही है। जो नेक्स्ट है वो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, हाल ही में लखनऊ में आयोजित हुई यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 कौन से राष्ट्र पार्टनर थे? इसमें कौन से राष्ट्र पार्टनर थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, नीदरलैंड, फिनलैंड, चेक गणराज। ठीक है, ये ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश में वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई जा रही है, कहाँ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वाराणसी में। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वैदिक साइंस सेंटर जो है वो वाराणसी में स्थापित की गई है। नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश के पारंपरिक शिल्पों व लघु उद्यमों के संरक्षण हेतु बजट 2018-19 में किस योजना को चलाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, एक जनपद एक उत्पाद। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, किस देश ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भारत का पहला वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म करने का निर्णय लिया है? देखिए, बिल्कुल करंट से अपडेशन है फ्रेंड्स, करंट से रिलेटेड है, यूपी स्पेशल से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, याद रखिएगा, वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म जो है वो इसराइल के साथ किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसराइल का संबंध अभी बहुत अच्छा है भारत के साथ। ठीक है, तो वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म जो है वो इसराइल के साथ किया गया है। ओके, चलिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हरित बैराज। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, मकराना। ठीक है,
नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नदी पर जितनी परियोजनाएं शुरू की गई है, कौन से नदी पर, ये सब प्लीज आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बेतवा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बांध जो बनाया गया था वो बेतवा नदी पर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यमन में। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है डी, राज बिहारी घोष। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि हिस्ट्री से रिलेटेड अधिवेशन किसकी अध्यक्षता किसने की थी, घटनाक्रम ये सब अच्छे से देख लीजिएगा, गोलमेज सम्मेलन ये सब बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत चुनिंदा पॉइंट मतलब टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये मिलते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए, अभी भी समय है, आज ही समय है, कल समय है, कल शाम तक का समय है, आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ तो रखा ही है, बस आपको एक बार रिविज़न करना है। ठीक है, चीज़ों को रिमाइंड करना है, तो आप जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, मकर रेखा नहीं गुजरती है, किस देश से मकर रेखा जो है वो नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोलोविया से। ठीक है, बोलोविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। नेक्स्ट वन, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना को सुझाव किस कमेटी ने दिया था, किस आयोग ने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, याद रखिएगा लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, 265, अनुच्छेद 265 में ऐसा कहा गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राम मेहता समिति ने। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, किसी में भी लाया जा सकता है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ये हो चुका है, सुमेलित करना है आपको। नेक्स्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका सी। ठीक है, चलिए मिलान कर लेते हैं। ए का जो है वो होगा 2, देखिए आपको घटनाक्रम दिया है। आपका बी का जो होगा, गांधी जी ने 52 अनशन किया, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 4। ठीक है, बी का होगा 4 एंड सी का होगा 1, डी का होगा 3। ठीक है, ये जो है ये आपका जो मिलान ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका भारत की। ठीक है, भारत की देन है शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये मिलान आ गया फ्रेंड फिर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब अगर ए का बात ए डी सही आंसर है तो ए का होगा वो होगा 3। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए, ए का होगा 3, बी का ए का होगा 3, बी का होगा 4 एंड सी का 1 एंड डी का 2। ठीक है, प्रकंद अदरक, स्तंभ कंद आलू, सल्क कंद लहसुन और खन कंद सुरन। ठीक है, तो ये जो मिलान है ये बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका इम्पॉर्टेंट UPSC के लिए, आपका 7 डेज टारगेटेड 7 डेज UPSC के लिए था, उसका ये पार्ट नंबर 5 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपने खुद एनालाइज किया होगा इस वीडियो को देखकर कि जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमें मोटिवेट करें ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आए। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है,
रिकमेंड करना है अपने दोस्तों को, बताइए कि यूपी से रिलेटेड, यूपी स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर लाए जा रहे हैं। उसके लिए जीएस के लिए कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार की क्वेरी हो फ्रेंड्स, सजेशन हो, फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप हमें मोटिवेट करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।